अलीगढ़ सपाइयों में और पुलिस में पुतला दहन को लेकर जमकर हुआ बवाल, एक सपा कार्यकर्ता घायल। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बजरंग दल का पुतला फूंकना पड़ा भारी। पुलिस द्वारा पुतला छीना झपटी में सपा कार्यकर्ता के आंख के पास लगी चोट। सपाइयों ने जमकर योगी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सपाइयों ने कार्यालय पर धरना किया शुरू। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद। थाना क्वसी इलाके के बाईपास की घटना। वीओ अलीगढ़ में सड़क पर नमाज और हनुमान चालीसा अब पुतला फूंकने तक पहुंच गया है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले जिला अधिकारी द्वारा सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक लगाने का बयान दिया था, जिस पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र सिंह भगोर द्वारा विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसमें डीएम को जबरन बंधक बनाकर हनुमान चालीसा पढ़ाई जाने का बयान दिया गया था, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसके दौरान पुलिस और सपाइयों में जमकर पुतले की खींचतान हुई। सपाइयों ने जमकर योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और पुतला छीन लिया। पुतले की छीना झपटी के दौरान समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष को आंख के पास चोट लग गई, जिसमें उसका आरोप है कि इंस्पेक्टर क्वसी ने जानबूझकर पुतला छीनने के दौरान उसे चोट मारी है, जिसको लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स व 3 सकिल ऑफिसरों को पहुंचना पड़ा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर जाकर धरना देने लगे। फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समाजवादियों का धरना खत्म करा दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं कार्यालय के सामने पुतला दहन किया और एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। डेली इंडिया न्यूज चैनल से जिला अलीगढ़ संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बाइट अर्जुन ठाकुर, चोटिल जिलाध्यक्ष, यूथ ब्रिगेड सपा अलीगढ़। बाइट अंजुम बी ए सी एम द्वितीय अलीगढ़।
जांच हमारी कोशिश करी है। आज दो दिन पहले से ही प्रस्तावित था, जैसा कि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री हैं सुरेंद्र सिंह भागवत, उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ को बंधक बनाकर जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़वाने की और आग लगाने की बात कही गई तो भस्म करने की बात कही गई थी, जिसके विरोध स्वरूप यूथ ब्रिगेड ने यह पहले से ऐलान किया था कि हम उनका पुतला दहन करेंगे क्वारसी चौराहे पर और मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे। जब पहले से प्रोग्राम प्रस्तावित था और यहाँ से पुतला लेके चले तो इंस्पेक्टर क्वारसी ने पूरे पुलिस बस के साथ हम पर डबल धावा बोल दिया और लाठीचार्ज किया और इसमें आँख में आप चोट देख भी रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ दी। पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था, जबकि हम प्रशासन की लड़ाई लड़ रहे थे। एक गुंडे जिसको पकड़ने के लिए पूरी प्रशासन नहीं लग सकता, यहाँ पूरा छावनी बना दिया पूरा कार्यालय 20 कार्यकर्ताओं के लिए और एक आदमी को पकड़ने के लिए उन पर जो जिलाधिकारी को धमकी दे रहा खुले वन प्लस ऑफिसर को धमकी दे रहा उसके लिए कुछ नहीं हो, चूड़ियाँ पहन रखी पूरे प्रशासन ने, हम पे ही उनकी गुंडाई चल रही है पूरे प्रशासन की। उस जो उस गुंडे को पकड़े भाजपा वाले को जो भाजपा के सपोर्ट पर महामंत्री बना बैठा है विश्व हिंदू जागरण मंच का उस पर कार्रवाई करें। अगर दम है प्रशासन में तो हम तो निहत्ते, हमारी सरकार नहीं, हम संघर्ष के समय कर ही जा सकते और पीट लो और संघर्ष करेंगे और पिटेंगे, लेकिन जो सत्य है वही।